नमस्कार, मैं हूं खेताराम डागला, आपका अपने चैनल अनूपगढ़ ज्योति में स्वागत है। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कर लें सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर खबर मिलती रहे आपको अपने मोबाइल पर। तो रुक करते समाचारों की ओर। तो रायसीनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत 6/8 LPM में कल सरपंच भजन सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक हुई संपन्न। बैठक में ग्राम पदेन सचिव और LDC और ग्राम पंचायत के जो भी स्टाफ हैं वो मौजूद रहे और इस बैठक में ग्रामीणों ने भी भाग लिया, महिलाएं भी पहुंची और सरपंच भजन सिंह ने लोगों को जो है शौचालय निर्माण के बारे में जानकारी दी और प्रधानमंत्री आवास के बारे में भी बताया और लोगों को ये भी कहा कि मेरे कार्यकाल में सभी की समस्याओं का होगा समाधान समय के अनुसार। और बैठक में मुख्य रूप से ग्रामीणों में हरगोविंद सिंह, विजय ढाका 4 LPM से और ओम प्रकाश मेघवाल, तुलसाराम नायक, कुलविंदर सिंह ब्राड़, अमरीक सिंह और आदि व्यक्तियों ने भी भाग लिया। और जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं, हम इस वक्त जो है छैलपुर के जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर है और यहाँ पे जो आज मीटिंग होने जा रही है, जो ग्राम सभा होती है जैसे हर महीने की 5 तारीख को और जो 20 तारीख को होती है, उस मीटिंग में दौरान है। आइए आपको अंदर का जो दृश्य दिखाते हैं कैसे मीटिंग में क्या हो रहा है और जैसे उनकी क्या मांग है, क्या जैसे अभी जो नवनिर्वाचित इस वक्त जो हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है वो हमारे जो चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले ज्योति न्यूज़ वालों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब भी हमने इन्हें याद किया वो हमारे साथ खड़े रहे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हमें काफ़ी खुशी है कि आप हमारी रिपोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता तक पहुँचाते हैं, धन्यवाद जी। जो आज की मीटिंग को लेकर हमारे साथ जो है ये भाई साहब, इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवा नायक, समाज सेवक हूँ मैं जी। और आज का हमारा ये जो मुद्दा है जो है कि अभी पिछले दिनों यहाँ ग्रुप द्वारा सामने अनाउंसमेंट हुआ था कि अगर 10 दिनों के अंदर शौचालय बनाया जाए तो उनको पूरा पूर्ण शोकराशि दी जाएगी जो शौचालय के ऊपर खर्च होगा। तो पिछले 2 सालों में बहुत से लोगों के ऐसे शौचालय बने हैं। नहीं, एक मिनट शिवा, यहाँ पे जो है जो किसी शौचालय को लेकर किसी प्रकार कोई सर्वे हुआ इन दिनों? अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो हमें तो पता नहीं किसी बात का। पीछे 2 सालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शौचालय बना दिया और पैसा अभी तक नहीं आया। और कुछ मकानों के अभी जिनको जरूरतमंद है उनका एक भी मकान अभी तक नहीं आया है। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 2 साल से अधिक समय हो गया शौचालय बनने हुए लेकिन अभी तक उनका कोई पैसा नहीं आया। तो अब 10 दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा जब पैसे आ जाएंगे? जैसा कि आपने सुना ये बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो सर्वे हुआ लेकिन उसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि आपकी पेमेंट जो है वो जो है शौचालय का भुगतान अभी कर दिया जाएगा, लेकिन भुगतान आने के अभी जैसे इन्होंने बताया कि पहले लोगों के शौचालय बने हुए हैं और उनका भुगतान अभी तक नहीं आया है। और ये देख रहे हैं मीटिंग का दृश्य, मेरे कैमरा मैन आएंगे और ये जो मीटिंग का दृश्य दिखाएंगे अभी। जो आप ये देख रहे हैं सरपंच साहब मौजूद हैं यहाँ पे और सचिव भी मौजूद हैं और जो ये वार्ड पंच भी है यहाँ पर। सर, आज की ग्राम सभा को लेकर आप कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं तो क्या कह, सभी ग्राम पंचों, ये ग्राम सभा है जो वार्ड पंचों की कार्यवाही बैठक है जिसमें भी जो भी गांव के अंदर जो भी समस्याएं हैं जी, तो वार्ड पंच के द्वारा यहाँ प्रस्ताव दिया जाता है जी। उसका जो प्रस्ताव आगे जो भी समस्या है गाँव की जी जी जी। ये सरपंच साहब इनसे बात करते हैं, आज की बैठक के बारे में क्या ठीक है आपसे बात करके अच्छा लगा।